प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे में भक्ति और विकास का संगम देखने को मिला। मोदी कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में संभल पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी विरासत भी मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। आज एक ओर हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर शहरों में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। इसी कालखंड में हमने विश्वनाथ धाम के वैभव को काशी की धरती पर देखा है, निखरता हुआ देखा है। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने यूपी में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर समान बल दिया। डबल इंजन सरकार का मकसद है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी सरकारी योजना से वंचित ना रहे। वहीं सीएम योगी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज यूपी अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस दौरान सीएम योगी ने निवेशकों को आमंत्रित किया। यूपी में नदियों के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल भी मालवाहक जहाजों के लिए किया जा रहा है। इससे यूपी में आवाजाही आसान हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन तेज और सस्ता हुआ है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम का आकलन मैं सिर्फ निवेश के लिहाज से नहीं कर रहा हूं। यहां आप सभी निवेशकों के बीच जो आशावाद दिख रहा है, बेहतर रिटर्न की जो उम्मीद दिख रही है, उसका संदर्भ बहुत व्यापक है। आज के इस जीबीसी फोर में न केवल औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी बल्कि प्रदेश के 34 लाख से अधिक युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की अवसर भी प्रदान करने का एक अद्भुत क्षण होगा। उत्तर प्रदेश, जिसके नाम से 2017 और 2014 के पहले लोग घबराते थे, आने से कतराते थे, और यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज अपनी प्रतिभा और पोटेंशियल को पहचान कर सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। जहां मोदी की डबल इंजन सरकार विकास की नई इबारत लिखकर सियासी पिच पर खुद को मजबूत कर रही है तो वहीं विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी में भी बिखराव है। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ 22 फरवरी को नए राजनीतिक संगठन या पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। उनकी कही बात उनको मुबारक। ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है, न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं सर सम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस पर जब भी कुठाराघात होगा मैं पलटवार जरूर करूंगा, करता भी रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अखिलेश जी की कही हुई बात उनको मुबारक।
ये खबर पूछना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है, ये कौन सी मशीन बताएगी? और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं, लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन बचाने की आखिरी कोशिश में लगी हुई है। इस बीच खबर है कि सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर की हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर 17 सीट देने की बात कही गई। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस देश की आम जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में राहुल की यात्रा में ज्यादा वक्त दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी को कितना फायदा होगा और क्या बीजेपी की मुश्किल थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।